हेलो गाइस, वेलकम टू गौरव सुनने की दुनिया। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बोर हो रही थी, सो मैंने सोचा, मैं बैठी हुई थी थोड़ी देर, फिर मैंने सोचा क्या बनाना चाहिए। आज सुबह तो मैंने दाल चावल बनाए थे, घर में कोई था नहीं, तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, फिर मैंने दाल चावल बना लिए थे। सो अब मैं सोच रही हूँ कि ढोकले बनाए जाएँ। आपको रेसिपी भी शेयर करूँगी मैं, आप बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाती हूँ ढोकले की रेसिपी। सो गाइस, देख लीजिए, मैंने ये ले लिया हुआ है एक कटोरा, और ये सारे इसके प्लेट के वो हैं। ये मेरा ओवन है, ओवन मैंने रखा हुआ है, और देखिए ये ओवन में मैं पानी डालूंगी इसमें। गाइस, गैस मैंने जला ली है, इसमें मैंने ये ओवन रख दिया हुआ है अपना। इस ओवन में मैं डालूंगी पानी, अब ज़्यादा नहीं, 2 ही गिलास ही पानी डालना। यही गाइस, मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया हुआ है, तो मैं इसको ढक के रख दूंगी। गाइस ये देखिए, गाइस मैंने इसको अभी ऐसे ही ढक दिया हुआ है जिससे कि पानी गर्म होएगा। तब तक मैं इस पर ऑयल लगा लूँगी सारों पर, जिससे कि नीचे नहीं चिपकता है ढोकला। मैं इडली को ओवन में ही बना रही हूँ, आप किसी भी बना सकते हैं। आप पर ढोकले का ओवन हो तो ढोकले में भी बना सकते हैं। ये मैं यूज़ कर रही हूँ खमन ढोकला मिक्स पाउडर, ये बहुत अच्छा रहता है, हाल तुरंत बन जाते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। देखिए गाइस, मैं इसको 2 बार में यूज़ कर लेती हूँ। ये 500 ग्राम का मेरे 2 बार में यूज हो जाता है। हम लोग 6 जने हैं तो 6 जने आराम से मिलकर खा लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैं इसको कुरेल लेती हूँ। ये देखिए गाइस, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ सरसों का, जिससे कि बहुत स्पंची बनता है। सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालती हूँ, बाकी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो उसमें एक्स्ट्रा बेसन डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालती, मैं बाई चांस ही डालती हूँ। सो बने रहिए आप। देखिए अब मैं इसको पानी से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने अभी इसमें पानी डाल ले रही हूँ। आप हिसाब से ही डालिएगा पानी, मैं अपने मेरे को तो आदत है। अब इसमें इस तरीके से मील लूँगी बारीक तरीके से, इसमें गुठली ना रह जाए। ये देखिए गाइस, मैं इस तरीके से इसको फेंट लूँगी, टाइम लेके इसको मिलाइए। जितना आप अच्छे से मिलाएंगे उतना स्मूथ ढोकला बनेगा, उतना सॉफ्ट बनेगा। मैं तो इडली को ओवन में ही बनाती कि सही रहता है, और आपको किसी को सर्व भी करना हो तो आप पीस के हिसाब से सर्व भी कर सकते हो। गाइस ये आप देख सकते हो, इसमें आवाज़ आने लगी है, मेरा पानी हो गया है। देखिए गाइस, फेंट लेती हूँ। देखिए इस तरीके का आपका बैटर हो जाना चाहिए। आप इसको हल्का सा पानी डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालूंगी, मैं इसको ऐसा ही रखूंगी। ये देखिए गाइस, जब तक मैं, ये मेरा हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है ये। अब मैं इसमें, अब इसमें मैं ऑयल लगा लेती हूँ प्लेटों पर, आपको ऑयल लगा के मिलती हूँ। गाइस इसमें ऑयल लगा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ऑयल ही लगाऊंगी मैं, इससे कि इसमें ना ढोकले चिपकेंगे नहीं। ये इडली का ओवन है वैसे गाइस, आपके साथ अलग अलग हो तो आप अलग अलग लगा सकते हो। गाइस ये देखिए गाइस, ये फूल चुका है बिल्कुल, आपको इस तरीके से दिखेगा ये। ये देखिए गाइस, पानी हो चुका है, धुआं निकलने लगा हुआ है इसमें। सो मेरा ये बैटर रेडी है, मैंने इसमें ऑयल लगा लिया है, आपको ज़्यादा दिख रहा होगा पर बहुत हल्का हल्का लगा है वो। अब इसको मैं थोड़ा सा घुमा लेती हूँ, मैं इसमें भर दूंगी। आप अपने हिसाब से भर सकते हैं कम ज़्यादा, मैं थोड़ा थोड़ा ही भरूंगी, इसके फूल जाते हैं वो, फिर एक दूसरे में चिपक जाते हैं। मैं उतना ही भरूंगी गाइस, आप देख सकते हैं। इसको मैं रख दूंगी इसके अंदर, ऐसे ही हम सारे रख देंगे गाइस। सो ओनली 15 मिनट लगेंगे बनने में। ये देखिए गाइस, अब मैं इसको रख दे रही हूँ।
स्पंजी बनाया हुआ है, देख सकते हो गाइस। देखिए गाइस, हाय मैं